हिना की दिलगिरफ्ता हालत रोशाने के दिल पर जख्म बनकर लगी। वो उसे बेड पर लिटाकर उसके लिए ठंडा पानी लेने को दौड़ गई। वो चुपचाप छत को तकती रही। उसकी आंखों के किनारों से पानी धीरे धीरे बहता तकिए में जज्ब हो रहा था। खुरम, आदिल और साकिब ने लॉन में एक हंगामा मचा रखा था। आदिल तान लगा रहा था जबकि साकिब ने दफ संभाल रखा था और लाली का बेटा हमजा स्टिक उठाकर ढोल पर मारे जा रहा था जो खुरम के हाथ में था। ऐ है लड़को, खुदा के लिए ये ठकाठक बंद करो, कानों बड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। सब कहाँ मर खप गए, कोई सुनने वाला नहीं है। आमना बेगम बुलाई सी तख्त पर आकर बैठ गई और सर पकड़ लिया। सब यहीं पर हैं खाला जान, कोई फौत नहीं हुआ, कम अज कम आज के दिन तो फौत होने का मूड भी नहीं है। खुरम ने ढोलक एक तरफ लुढ़काया और उनकी तरफ चलाया। ऐ खुदा ना करे जो कोई मरे, मैं तो यूं ही बक रही थी। ये तुम्हारे अब्बा और चाचा किधर हैं? नाश्ते के बाद से जो गायब हुए तो अभी तक नहीं आए, 100 काम पड़े हैं। उधर तुम्हारी दादी बेचारी रो पीट कर चुप हो गई। तो ये शुबा आपने संभाल लिया? आदिल ने दफ जोर से उनके कान के पास जाकर बजाया तो उन्होंने नागवारी से उसे देखा और पूछा, किस चीज़ का शोभा? रोने पीटने का, मेरा मतलब है उन्हें ढूंढने का। ये कहकर वो हंस दिया, फिर जल्दी से गर्दन खम करते हुए बोला, आप नाहक ख्वार हो रही हैं, मुझसे कह देती, मैं अभी चिराग रगड़ता हूँ, वो दोनों हाजिर हो जाएंगे। हद्दे अदब लड़के, खुरम ने उसे आंखें दिखाई और दफ उसके हाथ से छीन कर उसके सर पर बजा दिया। मेरे वालदे मोहतरम और अपने वालदे बुजुर्गवार को तुमने जिन बनाकर हमारी शहरियत को मशकूक कर दिया है। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। आमना बेगम झुंझला कर वहां से चल दी जबकि वो तीनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। इधर चाय के लिए फ्रिज से दूध का पॉट उठाती पलवशा उनकी शरारतों पर महसूस होकर हंस रही थी। ये आप किस खुशी में मोती बखेर रही हैं? खुरम उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं हंस तो नहीं रही थी। वो सटपटाकर पलटी। खुरम ने बेसाख्ता मानिखेस तबस्सुम के साथ उसे देखा। तो मोती का मतलब समझती हैं, वैसे हंस नहीं रही थी तो रो रही थी क्या? फिर एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, अगर रोना ऐसा है तो फिर हंसना कैसा होगा? बंदा बशर हूं, ऐसे अटैक तो मत करो, ऐसा ना हो कि यही तुम्हारे कदमों में खट से गिरूं और पट से मर जाऊं। पलवशा झीमकर जल्दी से फ्रिज बंद करके किचन में गड़ाप से घुस गई। तुम्हें बड़ी शरारतें सूझ रही हैं और ये तुम जब देखो इस बिचारी के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? हुस्ना आपा ने कफगीर उसकी कमर पर जमाया तो वो तड़प कर पलटा। उसने तुम्हारा कौन सा उधार खा लिया है? चलो निकलो यहां से और चलते फिरते नजर आओ। भूख लग रही है आप ही, ईमान से। उसने किचन के दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर जाने का रास्ता देते हुए निहायत मिस्कीन सी सूरत बना ली। हाय भूख, अभी नाश्ता किए घंटा भर नहीं हुआ और तुम्हें भूख सताने लगी? तो किस काफिर ने किया है नाश्ता? नाश्ते के नाम पर एक काली पीली चाय और दो टोस्ट ही जहर मार किए हैं, इसे नाश्ता तो हरगिज नहीं कहते। हुस्ना आपा उसे घूरने लगी, फिर बेसाख्ता हंस पड़ी और पलवशा से मुखातिब हुई, वशी इस लड़के को नाश्ता दे दो वरना ये जान को आ जाएगा हमारी। आपकी तो खैर नहीं, वो हल्के से बड़बड़ाया मगर हुस्ना आपा के पलटने पर जल्दी से सर खुजाता पलट गया। एक कप चाय का मिल जाएगा हुस्ना? तलाल डाइनिंग रूम में आया, फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्या हुआ सर्जन साहब? खुरम भी उसके मुकाबले कुर्सी खींचकर बैठ गया। सुरमई रंग के सिलवट ज़दा शलवार सूट में वो खासे ढीले अंदाज में कुर्सी पर बैठा था और गर्दन को पुश्त पर ढीली छोड़े हुए था। परेशान बाल, आंसू आंख में, उतरी हुई सूरत, नसीबे दुश्मना, ऐसे में आए हो कहाँ होकर? खुरम की जुबान में खारिश ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं जवाबन उसकी नागवार नजरों का सामना करना पड़ा। कुछ गलत कह दिया मैंने? वो सरासर घबराने की एक्टिंग करता हुआ जरा सा पीछे हुआ। दरअसल सुबह सुबह ऐसी उतरी हुई सूरत देखकर ऐसे ही शेर जुबान पर आ सकते हैं। अगर तबे नाजुक पर गरां गुजरा है तो कोई और फड़कता हुआ शेर अर्ज करूं? उसने बाकायदा आस्तीन फोल्ड करके गला खंकारा। नजर के सामने हुस्ने बहार रहने दे, नजर के सामने हुस्ने बहार रहने दे, जमाले दीद को परवरदिगार रहने दे, सवाले शौक का कोई जवाब हो के ना हो, हमारे दिल में उम्मीदें बहार रहने दे। मजीद ये शेर अर्थ है कि गरम शुआर ना थे मोतबर नहीं ठहरे। खुदा के लिए खुरम, सुबह सुबह ये शेरी नशिस्त जमा कर तुम हमारे सबर का इम्तिहान मत लो। हुस्ना आपा ने जल्दी से उसे टोका, फिर हंसते हुए बोली,
कितने मजमुए खोल कर पी लिए हैं तुमने। ये कोर्स की किताबों से ज्यादा इन किताबों पर मेहनत करता है, तलाल तन से बोला तो उसने एक ठंडी सांस भरकर उनकी तरफ पुरमलाल अंदाज में देखा। बड़े अफसोस की बात है एक बाजौक बंदे की ऐसे हौसला शिकनी की जा रही है। तलाल तुम इसे कोई ऐसा इंजेक्शन क्यों नहीं लगा देते कि यह सुधर जाए। हुसना ने गोया उसे मजीद छेड़ा तो वो करहा कर रह गया। काश कि ऐसा कोई इंजेक्शन मेरे नॉलेज में होता। तलाल ने एक ठंडी सांस भरी जैसे उसे वाकई बड़ा अफसोस हो रहा था कि वो ऐसा कोई कारनामा सरंजाम नहीं दे सकता था। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। खुरम ने खासी नाराज नजरों से हुसना आपा को देखा। बड़े दुख की बात है एक अच्छे खासे शख्स को बदजौक बनाने पर तुले हुए हैं लोग। जरा गौर कीजिए इस खुश्क और बोर खानदान में मैं ही वो वाहिद तरोताज़ा और खिलखिलाता फूल हूँ जिससे फजा रंगीन है, हवा मुअत्तर और माहौल हसीन है। मेरा ख्याल है तुम अपनी बाजौकी के साथ ही जिंदा रहो मगर हमारा दिमाग मत खाओ। तलाल ने चाय का कप दोबारा होंठों से लगाते हुए सख्त आजिज आते हुए कहा। उसके सर में इतना दर्द था कि उसे खुरम की बातें नागवार गुजर रही थी। हालांकि कोई और वक्त होता तो वो यकीनन महसूस होता मगर इस वक्त उसे अपने जहन की तनाबें कसे हुए तारों की मानित महसूस हो रही थी। ये क्या अभी तक नाश्ता ही चल रहा है। लाला रुख उस तरफ आई तो डाइनिंग टेबल पर बैठे खुरम को देखकर मुस्कुराहट दबाकर मसनूई खुफकी का तासुर दिया। तुम सारा दिन नाश्ता ही करते रहोगे। उसने हाथों में उठाए हुए जेवरात के मखमलीन डब्बे एक किनारे वाले सोफे पर रख दिए। इसी रफ्तार से नाश्ता करते रहे तो तौंद निकल आएगी, फिर सर पकड़े बैठे रहना, कोई लड़की नहीं मिलेगी। उसकी बात पर परवशा और हुसना आपा की हंसी बेसाख्ता एक दूसरे से हम आहंग होकर गूंजी। खुरम ने चिलबला कर पलट कर परवशा को घूरा तो वो उबले हुए अंडे में काली मिर्च छिड़कते हुए जल्दी से मिस्कीन सी सूरत बनाकर सर झुका गई। जैसे यहाँ तो जिनकी शादियां हुई हैं अपालो ही हैं और बीवियां तो ऐसे ऐसों को मिल रही हैं जिनके मुताबिक आपके मुताबिक तो उन्हें लड़की तो क्या भैंस भी नहीं मिलनी चाहिए थी। उसकी बात पर सब अपनी बेसाख्ता हंसी को ना रोक सके। लाला रुख ने उसके कंधे पर एक हाथ जमाया था और कुर्सी खींच कर बैठ गई। इसी दम रोशाने नाश्ते के लवाजमात से भरी ट्रे उठाए चली आई और ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली, लाली हिना नाश्ता नहीं कर रही है, अब आप ही उसे समझाइए। उसका लहजा उदास था। लाला रुख बग में चाय भरती हुई ठटकी, नाश्ता नहीं करेगी तो क्या भूखी रहेगी। कुछ नहीं होता उसे, भूखा रहने का शौक है तो रहने दो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है उसके पास। रोशाने को तलाल का यह हुक्म सख्त बुरा लगा। उसने बरहमी के तासुरात के साथ उसे देखा। एक वक्त के फाके से कोई मरता है और ना ही बीमार होता है, वो कहते हुए उसकी निगाहों की तपिश महसूस करके गैर महसूस तौर पर चौंका, फिर अब्रू उठाकर दाईं तरफ देखा। निगाहों के तसादुम पर वो पलकों का जाल गिरा गई और लाला रुख के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप फिर भी कोशिश तो कर लीजिए, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। फिर पलकें उठाकर कार्ड भरे लहजे में बोली, अब इंसानों को हर वक्त मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो नहीं देखना चाहिए। तलाल के असाब पर उसका तंस बेहद नागवार गुजरा, ताहम वो बोला कुछ भी नहीं। दरअसल उसे हम सबसे जुदा होने का गम है, उसने इस जुदाई का असर दिल पर कुछ ज्यादा ही ले लिया है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाकर खिला देती हूँ। लाला रुख अपने कंधे पर रखे उसके सुबुक उदास हाथ को थपकते हुए आहिस्तगी से बोली, आफाक कोई अजनबी गैर नहीं है, वो मेरा बहुत प्यारा चचाजाद है। वो तलाल की तरफ देखने से गुरेज करती कुर्सी से उठी। रोशाने ने देखा तलाल के खूबसूरत चेहरे के नकूश में एक खिंचाव था, वो उसे खासा सफाक और जालिम किस्म का शख्स महसूस हुआ। रात का मंजर उसके जहन में पूरी तरह ताजा था। किस बेदर्दी से उसने हिना को थप्पड़ मारा था, उसे लगा था ये थप्पड़ हिना को नहीं उसके दिल पर पड़ा हो। हिना के आंसू उसकी सिसकियां अभी तक उसके दिल पर नक्श थीं। उसकी जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा तो वो उसकी तरफ मतवज्जो हो गया, जबकि वो लाला रुख के साथ डाइनिंग रूम से बाहर आ गई, जिससे मुलहिका कमरे से आमना बेगम ने उसे पुकार लिया। वो दोनों उसी तरफ चली आईं जहां सादिया पुप्पू और रफिया बेगम जेवरात के डब्बे खोले बैठी थीं। ये देखो सादिया, क्या कैसा प्यारा सेट है, याद है ना तुम्हें, तुम्हारे अब्बा ने रंगून से मंगवाया था। आमना बेगम ने एक जुड़ाव सेट उठाकर सादिया पुप्पू को दिखाया, फिर उसे रोशाने की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसे तुम आज बारात के वक्त पहन लेना, इसकी झुमकियाँ बहुत प्यारी हैं, तुम पर बहुत सजेंगी। क्या मैं, नहीं 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 मैं नहीं पहनूंगी इसे दादी, इतना भारी सेट, वो घबरा कर जल्दी से बोली। इतना भारी जुड़ाव सेट को देखकर ही उसे वहशत होने लगी थी।
دیکھو رفیہ کیسی ناشکری نسل نکلی ہے ہماری اولاد میں سے۔ اس کے انکار پر آمنہ بیگم نے تاسف بھرے انداز میں اسے ناراض نظروں سے دیکھا۔ تم نہیں پہنو گی تو کیا اس بڑھاپے میں میں اپنی اس لٹکی ہوئی گردن میں سیر بھر کے زیورات لٹکاؤں گی؟ تو آپ کون سا بوڑھی ہو گئی ہیں نانی جان؟ خرم چائے کا مگ لیے ادھر ہی چلایا۔ آپ سے بڑی بڑی تو فلمی اداکارائیں ہوتی ہیں، میرا مطلب ہے ہیروئنیں۔ آپ بھی بس فیس کی پیسٹنگ کروا لیں۔ تم چپ کے بیٹھے رہو، سادیہ پھپھو نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تم نانی جان کو اس احساس کمتری سے باہر نکال رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا، روشانے کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ کچھ غلط کہا؟ نہیں، تم غلط کب کہتے ہو، ایک تم اور ایک یہ میری پوتی بالکل درست ہو، غلط تو ہم سارے ہیں۔ آمنہ بیگم کو روشانے کا انکار کچھ زیادہ ہی خفا کر گیا تھا۔ روشی، بری بات ہے، کتنے چاؤ سے تمہاری دادی تمہیں یہ پہنانا چاہ رہی ہیں، پہن کر دکھاؤ۔ شاباش، رفیہ بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ مارے باندھے ان کے ہاتھ سے سیٹ لے کر پہننے لگی۔ اس کے بابا نے تو اس کے اندر صرف منڈوں جیسے شوق بھر دیے ہیں، اس کا پہننا اوڑھنا، کتابیں اور موا وہ کمپیوٹر مشین پر ہے۔ خالہ جان، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے شوق تو اب لڑکیوں کے بھی ہیں، پھر آپ کی روشی تو الف سے یہ تک لڑکی ہے، بھرپور لڑکی۔ لالا رخ اس کے سراپے پر توصیفی نگاہ ڈال کر بولی، لڑکوں کے ایسے بال بھلا ہوتے ہیں، ریشم کے لچھے جیسے۔ اس نے اس کی چوٹی پکڑ کر لہرائی، ہوتے ہیں محترم خاتون، اب تو ہوتے ہیں۔ خرم جلدی سے بولا، اگر ہم لڑکے اتنی جان فشانی سے بال بڑھانا شروع کر دیں تو آپ دیکھتی رہ جائیں، بلکہ انگشتے بدن داں ہو جائیں، ایسے ویسے سارے بالوں کو مات کر دیں۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے، شروع ہو جاؤ، لالا رخ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس اب آپ عورتوں پر رحم آ جاتا ہے، جو تھوڑا بہت بھرم ہے بالوں سے کہیں وہ بھی نہ چلا جائے۔ بہت بھڑ بھڑ کر بولنے لگے ہو تم، سادیہ پھپھو نے پیر سے چپل اتاری تو وہ وہاں سے فوراً بھاگ لیا۔ روشانے کی شفاف گردن پر سنہری سفید اور لال نگوں والا سیٹ جگمگ کرنے لگا۔ پتہ نہیں اس کی گردن اس سیٹ کی وجہ سے جھل ملانے لگی تھی یا وہ سیٹ اس کی گردن سے جھل ملا گیا تھا۔ اس نے جھمکیاں کانوں میں ڈالیں تو سادہ سے چہرے پر ایسا حسن بکھرایا کہ سادیہ پھپھو بے ساختہ ماشاء اللہ پڑھ کر رہ گئیں۔ مجھے بہت بھاری لگ رہے ہیں پھپھو، اس نے رحم طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کوئی بھاری بھاری نہیں ہے، دیکھو کیسا جچ رہا ہے، لگتا ہے بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، یہ دیکھو پوری آ رہی ہے تمہاری انگلی میں، جاؤ جا کر دیکھو آئینے میں۔ میں کہہ دیتی ہوں، میں رات کو یہ ہرگز نہیں پہنوں گی۔ وہ روٹھی روٹھی سی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، مگر طلال کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تھا، وگرنہ تصادم ضرور ہو جاتا۔ اس کی نگاہیں اس پر اٹھیں اور کچھ دیر اسی زاویے پر رہ گئیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے حسن نہیں دیکھا تھا، یا وہ روشان اسد حسن کا کوئی اچھوتا زندہ مجسمہ لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی ملائمت اور زیورات کا سنہرا پن گڑمڑ ہو کر ایک عجیب سا نکھار اس کے چہرے کو بخش رہے تھے۔ اس کے سادہ سے روپ میں یہ جھل ملاتا رنگ بہت اثر انگیز ثابت ہوا تھا، مگر شاید وہ خود بے خبر تھی اس بادل کی طرح جو کس کس زمین پر کہاں کہاں برستا ہے، اسے سیراب کرتا ہے مگر خود اسے خبر نہیں ہوتی۔ اس کی اچانک موجودگی نے اسے سٹپٹا دیا تھا۔ اس نے کندھے پر سے دوپٹہ کھینچ کر بڑی صورت سے سر پر ڈالا کہ اس سے کانوں میں ہلکولے لیتی جھمکیاں تقریباً چھپ گئیں۔ یہ اس کا بالکل بے اختیارانہ فیل تھا جسے حیا سے تعبیر کیا جانا چاہیے۔ یوں بھی حسن وہی دیرپا اور اثر انگیز ہوتا ہے جس میں حیا کی آزمیشش ہو۔ ایک ہلکی سی روشنی کا جھماکہ سا ہوا تھا جو براہ راست طلال کو متوجہ کر گیا تھا، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ اپنی اس بے اختیاری پر اس نے جلد ہی قابو پا لیا اور نظروں کا زاویہ بدل کر ایک طرف کو ہو گیا تو وہ کسی سبق خرام جھونکے کی مارید وہاں سے گزر گئی، جبکہ وہ ایک ہلکی سی سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر پردہ اٹھا کر اندر چلا آیا۔ تمہیں فرصت نہیں ملتی کہ دو گھڑی بھوڑی خالہ کے پاس ہی بیٹھ جاؤ۔ اسے دیکھتے ہی آمنہ بیگم شکوہ زبان پر لے آئیں تو وہ مسکرایا، آپ کا شکوہ سر آنکھوں پر خالہ جان، بس کیا کروں، وقت ہاتھ میں بچتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے گھنٹے لمحوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ وقت کا کیا ہے، اس کا کام تو گزرنا ہی ہے، انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تو کہتی ہوں ان گزرتے لمحوں کو پکڑ لو، اپنے لیے یہ چند لمحے لے لو، یہ کیسی دھوپ بھری زندگی گزار رہے ہو تم، اب ہوش کے ناخن لو طلال۔ وہ موقع مناسب دیکھ کر اسے گھیرنے لگی، مگر وہ پہلو بچا گیا اور گاڑی کی چابی ہلاتے ہوئے ہنس دیا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں خالہ جان، مزہ تو جب ہے کہ لوگ دوسروں کے لیے جئیں۔ وہ قطعی غیر سنجیدہ تھا اور بات ہنسی میں اڑانے کی کوشش کر رہا تھا،
मगर लाला रुख को अपने दिल पर जर्ब सी लगती महसूस हुई। उसने कुछ शिकायती अंदाज में उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, शादी भी तो दूसरों के लिए ही जीने का नाम हो सकती है अगर ईमानदारी के साथ निभाई जाए।